सांदे शहर के हेटी मोपा बाईपास पर मंगलवार की रात के अंधेरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 300-400 मरी हुई मुर्गियां सड़क के किनारे फेंक देने की घटना बुधवार को उजागर होने से हमारे स्थानीय संवाददाता ने घटना स्थल पर पहुंचकर उक्त गंभीर घटना की सूचना सावनेर तालुका स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा सावनेर थानेदार को देकर समय रहते उपाय योजना करने की गुजारिश की थी। ज्ञात हो कि फिलहाल बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उक्त घटनाओं को तुरंत संज्ञान में लेते हुए शीघ्रता से उन मरी हुई मुर्गियों को उक्त स्थान से हटाकर निर्जन स्थान पर गड्ढा कर उसमें उन मुर्गियों को पूरा जाना तथा मरी हुई मुर्गियां बर्ड फ्लू से ग्रसित तो नहीं थी इसकी जांच तुरंत होना जरूरी था। फिर भी प्रशासन के संबंधित स्वास्थ्य विभाग के लेट लतीफी से देर से ही सही उक्त कार्य की शुरुआत आज पशु चिकित्सक रोहिणी टेम्पो ने एवं उनके अधीनस्थ सहयोगियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर उक्त घटना की जानकारी तहसीलदार तथा वरिष्ठ अधिकारियों को देकर मरी हुई मुर्गियों के सैंपल लेकर जाँच हेतु पूना या भोपाल भेजने तथा मरी हुई मुर्गियों को उचित ढंग से पुरने की बात हमारे स्थानीय संवाददाता से की तथा घटना की जानकारी सावनेर पुलिस को देकर जिस अज्ञात व्यक्ति ने उक्त घटना को अंजाम दिया उसकी तलाश कर उस पर अपराध दर्ज कराने की जानकारी दी। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिणी टेम्पुरने। मुझे अभी आधा घंटा पहले मुझे फोन आया मेडिकल ऑफिसर से, उन्होंने आपका नंबर दिया है और मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करते हुए ये लोकेशन पे आई हूँ। एक्चुअली ये जो पक्षी दिख रहे हैं ये अननोन हिस्ट्री है, इसके मालक कुछ पता नहीं चला। तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम अभी पुलिस स्टेशन सावने में जाके FIR करेंगे और फिर तहसीलदार ऑफिस को भी हम इनका रिपोर्टिंग करेंगे। आगे की जो प्रोसीजर, इनका जो डिस्पोजल है वो अभी पुलिस स्टेशन के द्वारा हो जाएगा।